एक जेन्युइन होस्टिंग कंपनी का कैसे चुनाव करें? जब आप अपने लिए वेबसाइट बनवाने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल आपके जहन में आता है कि डोमेन कहाँ से बाई करें और होस्टिंग कहाँ से बाई करें, होता है ना। तो आपके जैसे ही आप गूगल पे जाके डोमेन और होस्टिंग कीवर्ड को सर्च करते हैं, आपको आपके प्रोफाइल पे लगातार, चाहे आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इवन गूगल आप कर रहे हैं, इवन कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, वहाँ आपको होस्टिंग से संबंधित ऐड दिखने लगते हैं। ठीक है, होस्टिंग से संबंधित ऐड दिखने लगते हैं क्योंकि ये होस्टिंग कंपनी के द्वारा आपको टारगेट किया जाता है कि ऐसा कोई बंदा जो हाल ही फिलहाल में होस्टिंग सर्च कर रहा, उसको मेरे ऐड दिखें, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट ऑफ प्रोबेबली क्या होता है कि सेलिंग की, जो कह लें कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और बंदा खरीदने के लिए एग्रेसिव बायर है ना, तो उसको टारगेट करते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑफर करते हैं, मैं 40 रुपये में होस्टिंग दे रहा हूँ, मैं 60 रुपये में होस्टिंग दे रहा हूँ मंथली, ठीक है। लेकिन आप उनकी जाल में फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? कि सबसे पहला मेरा ये डिसीजन होता है कि सर कहाँ भी जाएं पैसे कम लगे, ठीक है। फिर हम सोचते हैं यार डोमेन भी ऐसी जगह से ले कि जहाँ बहुत सस्ता मिल रहा हो, ठीक है। तो सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, कोई कंपनी है, इवन आप डिजिटल मार्केटर हैं या फिर आप स्कूल ओनर हैं, कोई भी हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में स्टैंड करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जब आप गलती करते हैं तो उसका खामियाजा किस तरह से भुगतना पड़ता है, जिस तरह से मैंने भुगता है, ठीक है। मैं अपने आप को बहुत समझदार समझता था, समझदार काफ़ी कैलकुलेट करके मैंने एक होस्टिंग का चुनाव किया जिसका नाम था यूस्टेबल। उसने मुझे पूरी तरह से लूट के बर्बाद कर दिया, मेरी पूरे, क्या बताऊँ यार, मेरे पास शब्द नहीं है इस होस्टिंग के लिए कि इन्होंने पूरा डेटा मेरा हैक कर लिया, मतलब अपने पास रख लिया और मुझे बैकअप तक नहीं दिया और कहा कि हम आपकी होस्टिंग को अपने पैनल से हटा दिया इन्होंने, ठीक है। मेरा कोई गुनाह नहीं था, मैंने एक अपने वीडियो में, यूट्यूब के वीडियो में मैंने इनके बारे में ट्रूथ बता दिया था, बस इतना ही मेरा गुनाह था। तो आगे बात करते हैं ये कंपनी किस प्रकार से आपके साथ फ्रॉड करती है। ये कंपनी क्या करती है देखिए कि अपना रजिस्ट्रेशन तो कराती हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और कंपनी की प्रोफाइल चेक करनी है, ठीक। कंपनी की प्रोफाइल चेक करनी है, प्रोफाइल चेक करने के बाद इनके देखना है कि इनके सीईओ कौन है और इस कंपनी इस्टेब्लिश कब हुई और इसके एम्प्लॉई कौन है, एम्प्लॉई के बारे में इससे पहले बैक एक्सपीरियंस क्या रहा। मतलब अगर आप किसी नई होस्टिंग से बाई कर रहे हैं तब ये रूल अप्लाई करिएगा। अगर कोई बहुत बड़ा ब्रांड है और उसको सब जानते हैं, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड जानते हैं, तो वहाँ पर बहुत सोचने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है। तो वहाँ पर आपके पास अगर बजट है तो आपको बाई कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इन नौसिखियों के साथ जा रहे हैं तो इस चीज को आप जरूर जो है ना माइंड करिएगा। इनके यहां जो इंप्लॉई काम कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल चेक करिएगा, उनका इंस्टाग्राम चेक करिएगा, जो कुछ भी है प्रोफाइल चेक करने की कोशिश करिएगा। अगर आप ज्यादा रिसर्च करना चाहते हैं तो वहां उनके एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस पता चलेगा कि ये बंदा इस कंपनी में इसके पहले काम कर चुका है। अगर कोई कंपनी आपसे अपने बारे में ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करती है, ना अपने सीईओ के बारे में, ना कंपनी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, सर्वर के बारे में, सर्वर लोकेशन के बारे में, तो पहला ये मार्क करके चलिएगा ये एटलीस्ट आपके साथ कुछ गलत करने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपने गूगल पे सीधे सर्च करना है और गूगल रिव्यू देखना है। तो बेसिकली ये देखने को मिला है आजकल गूगल के पेड रिव्यूज़ लिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 20 रुपये में पर रिव्यू आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है, आप सर्च कर सकते हैं। तो वो रिव्यू पेड है, आप उस पेड रिव्यू की तरफ मत जाइए। अब ये पेड कितना हो सकता है, देखिए अगर एक होस्टिंग कंपनी है तो मेरे हिसाब से 100 200 400 500 रिव्यू पेड करा सकती है, ठीक। जब वो रिव्यू हजारों और लाखों में पहुंच जाए, 9000 10000 8000 5000 रिव्यू पहुंच जाए, तो आप समझिएगा कि इस होस्टिंग कंपनी में दम है। 200, 300, 400, 500 तक ना, हम तो कहते हैं फेक ही चल रहा है, हज़ार के ऊपर पहुंचा तो समझिए दम है। लेकिन हम इसको क्राइटेरिया मान के नहीं चलेंगे, ना ही इसको देखकर हम किसी कंपनी को डिसाइड करेंगे कि ये कंपनी बुरी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनीज है ना जिनके रिव्यूज़ गूगल पे कम है लेकिन वो जेन्युइनली
बहुत जबरदस्त कंपनी है, अब उनको एक बारे में क्या ही बताऊं, ठीक है। तो आप उन क्राइटेरिया को मान के नहीं चलिएगा, उसी को लोग दिखाते हैं रिव्यू के रूप में कि हमारे यहाँ इतना रिव्यू, वहां पे फेक कमेंट्स भी पड़े हुए होते हैं, ठीक है, उसके पीछे आप नहीं भागिएगा। अब फिर बात आती है यार, मतलब अब क्या करें, फिर और क्या देखें, उसके बाद रिव्यू और आप चेक कर सकते हैं, होस्ट एडवाइस पे जा सकते हैं, ठीक, कुछ अन्य रिव्यूज भी वहां आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहां पे क्या होता है कि जो वेरीफाइड रिव्यू करे जाते हैं, तो गूगल से ज्यादा वेरीफाइड रिव्यू आपको वहां को, ट्रस्ट पायलट हो गया, होस्ट एडवाइस, इस जगह पे ना गूगल से ज्यादा वेरीफाइड रिव्यू देखने को मिलते हैं। बंदा वेरीफाइड होगा, बाय करेगा, वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ बंदा जेन्युइन है, और उसके बाद ही वो उस रिव्यू को वेरीफाई करके लाइक करते हैं, तो वो ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद आप चले जाइएगा कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन में। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे तो नीचे कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेबसाइट पे उसके बारे में लोग सवाल जवाब गूगल पे लिखते हुए नजर आएंगे, ठीक। अब उस पर सवालों का जवाब भी देते हैं लोग, जैसे आपने सवाल किया, ठीक है, वहाँ पर क्वेश्चन किया और मैंने क्या किया, जस्ट उसका जवाब दिया, तो वहां पे लोगों के ज्यादा लाइक्स, व्यू और कमेंट पर कमेंट, काम कमेंट आफ्टर कमेंट भी देखने को मिलते हैं। तो वहां पे आपने अगर ज्यादातर कमेंट पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव है तो उनको इग्नोर करिएगा, क्योंकि सभी बंदे सभी होस्टिंग प्रोवाइडर से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, ठीक है, तो इस चीज को आप इग्नोर करिएगा। ये तीन चीजें हो गई। उसके बाद अब आता है असली गेम, जहां पे आपको लूटा जाता है, ठीक है। अब ये नई कंपनी आपको एक बार सस्ता प्रोडक्ट बेच देती है, 20 रुपए में होस्टिंग और 100 रुपए में डोमेन दे देती हैं, ठीक है। अब आपके साथ गेम हुआ तो कैसे हुआ ये समझिएगा। जब आप डोमेन बाद में चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, होस्टिंग उनका हैंडल नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में ये स्कैमर क्या करते हैं, आपके डोमेन को अपने पास रख लेते हैं, ना रिलीज करते हैं, ट्रांसफ़र करने की तो बात भूल ही जाइए, ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं करते, बहुत टर्म कंडीशन बताते हैं कि मतलब आप उन्हीं के यहाँ रहिए। यहाँ तक मेरे पास कुछ मैटर देखने के लिए मिले हैं कि कुछ ब्लॉगर ने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट के डोमेन बाई करें ऑफर में 25-50 रुपए में, बाद में उन्होंने ब्लॉगर पे यूज़ किया, ठीक है, और उस डोमेन पे 5 से 10 हज़ार, यहाँ तक कि 50-50 हज़ार की ट्रैफिक हो गई। उसके बाद वो वर्डप्रेस पे मूव करना चाह रहे थे, उनका पूरा डोमेन उन लोगों ने हैक कर लिया, नए डोमेन प्रोवाइडर थे। तो ऐसे ऐसे लोग स्कैम का शिकार बन जाते हैं यार। तो मतलब आप डोमेन जब लेने जा रहे हो ना, कि घर जैसे होता नहीं कि रजिस्ट्री कराने जा रहे हो, ठीक है, आप समझिएगा मेरी बात को, आप घर की रजिस्ट्री कराने जा रहे हो, ठीक। अब रजिस्ट्री कराते वक्त अगर आपने गलती कर दी ना, तो वो रजिस्ट्री कैंसिल होकर किसी और के नाम भी हो सकती है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। डोमेन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी होस्टिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन होस्टिंग की भी वैल्यू कम नहीं है, ठीक। अगर आपने एक मकान के लिए ज़मीन खरीद ली, तो आप अपने घर को तोड़ के उसमें मॉडिफाई करा सकते हो ना, भाई ये घर है, एक रूम मैंने बढ़वाना है, ये इस रूम में इस तरह का मॉडिफाई करा, इंटीरियर डेकोरेशन करवाना है, फ्रेमिंग करवानी है, क्या पीओपी करवानी है, तो आप करवा सकते हो ना। मैं देखो बड़े साधारण भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो होस्टिंग आप बाद में बदल सकते हो, लेकिन फिर भी आपका लॉस होगा ना, आपने डेटा बैकअप लेना है, फिर दूसरी होस्टिंग प्रोवाइडर को बाई करना है, पैसे वहाँ भी खर्चने हैं, तब जाके आपने क्या करना है, वहाँ पे अपना सब कुछ सेटअप करना है। तो लेते वक्त ही विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब न्यू होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्टिंग ले रहे हैं, और हम लोग क्या करते हैं, लंबे समय के लिए लेते हैं, सबसे बड़ी गलती ये होती है। जैसे मैंने यूजटेबल से लिया, 3 महीने में सब कुछ ऐसी की तैसी हो गई, 3 महीने मात्र था, ऐसी की तैसी हो गई, सब मेरा पैसा डूब गया। तो 3 साल के लिए मैंने बाई किया, 8200 या समथिंग रुपीज मैंने उनको मैंने पे किए, तो मेरे पैसे डूब गए यार, 100% पैसे मेरे डूब गए। तो आप भी जब न्यू होस्टिंग कंपनी से कभी भी होस्टिंग बाई कर रहे हैं, तो 1 साल के लिए लो, थोड़ा 19-20 पड़ता है कॉस्टिंग में, लेकिन 1 साल के लिए देखने के लिए, ठीक, क्योंकि आपने 3 साल लेके उनके यहाँ फंसना नहीं है। मैं मानता हूँ कि जैसे ही आप उनके यहाँ होस्टिंग बाई करोगे, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो ऐसी होस्टिंग कंपनी में पहले आप जाते क्यों हो, कुछ जहाँ से छोड़ के हटना पड़े, ठीक। आपने डोमेन लेना है एक ट्रस्टेड कंपनी से, जो भी डोमेन रजिस्टर कंपनी है वहाँ से बाई करना है। अब बात करते हैं कि ज़्यादातर डिजिटल मार्केटर जो है डोमेन कहाँ से खरीदते हैं, ठीक, कहाँ से खरीदते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है।
हम इंडियन डिजिटल मार्केटर की बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा खासा यूनियन है, लोगों की यूनिटी है जहां मुझे हम लोग आपस में बात करते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा डोमेन हम बाई करते हैं नेमचिप से, अपने लिए पर्सनली जो भी डोमेन बाई करते हैं नेमचिप। नेमचिप जो है ना इस समय वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डोमेन प्रोवाइडर है। सबसे ज़्यादा डोमेन नहीं कि कचरा भी बेच दो, ठीक है, वर्ल्ड की बेस्ट डोमेन प्रोवाइडर है, ठीक है, कि डोमेन रजिस्ट्रार कंपनी, जहाँ पे आपको लेने के बाद कभी भी एक रुपए की शिकायत नहीं देखने को मिलेगी। और उसके प्रॉपर वीडियोस भी अवेलेबल हैं, मतलब आप कह लीजिए कि यूट्यूब पे, इवन उनके खुद के अपने प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रेनिंग वीडियोस भी अवेलेबल हैं। और इनका जो सपोर्ट है ना वो अमेजिंग है नेमचिप का। हम लोग वहाँ से नेमचिप से बाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, बहुत से हो सकते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट तो वहाँ पर देता हूँ। मेरा सेकेंड ऑप्शन, अभी पहले की बात नहीं कर रहा, अब भी मेरा जो है डायना डॉट है। डायना डॉट के पीछे का रीज़न ये है कि डायना डॉट जो है ना आपको भी बहुत सिक्योर प्लेटफॉर्म है, और उनकी कमी भी मैं बता देता हूँ आपको। डायना डॉट अभी जो है इंडिया में अभी फ़िलहाल एक्टिव हुआ है, क्योंकि आप यूपीआई वगैरह भी एक्सेप्ट करने लगा, इंडियन पेमेंट गेटवे, मतलब सॉरी, इंडियन पेमेंट को सपोर्ट कर रहा है, रुपए को सपोर्ट कर रहा है। यूपीआई के द्वारा भी हम बाई कर सकते हैं डाइना डॉट से, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखने को मिली जो मुझे अच्छी नहीं लगी, कि जैसे आप मान लीजिए कोई भी डोमेन रिसर्च कर रहे हैं, डोमेन का रिसर्च कर रहे हैं कि मुझे एक डोमेन चूज़ करना है, तो लंबे समय तक, आधे घंटे तक या 15 मिनट तक मैंने काउंट नहीं किया, लगातार डोमेन सर्च करते रहते हैं, तो वो आपके कोटे को पूरा कर देते हैं। उस पर लिख देते हैं कि मतलब आपका डोमेन कोटा अभी का पूरा हो चुका है, अब आप आधे या 1 घंटे बाद डोमेन रिसर्च कर सकते हैं। ये मुझे बुरा लगा। और उसके बाद एक चीज़ और मुझे डायना डॉट की बुरा लगी, वो थी ना कि इनका डोमेन सर्वर दिन में मेरे को बहुत बार डाउन देखने को मिला। तो इनका सर्वर, हमारे वेबसाइट से उसका लेना देना नहीं, इसे कोई बहुत इशू नहीं है। जैसे क्या हुआ कि अगर आप बहुत ज़्यादा डोमेन्स, दिन भर डोमेन सर्च करते हैं या डोमेन्स के लिए काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा ये पैनिक देखने को मिलेगा कि डोमेन सर्वर मुझे कई बार डाउन इनका देखने को मिला। अदरवाइज 1 नंबर पर नेमचिप, 2 नंबर पर हम डाइना डॉट को रखते हैं, फिर भी रखते हैं, ठीक है। क्यों रखते हैं, इसके पीछे और भी लॉजिक है कि आपको ये फुल्ली जो है ना सपोर्ट भी इनका ठीक ठाक है। मैंने कहा कि ठीक ठाक सपोर्ट है, लेकिन नेम चिप से तो हम डाउन ही मानते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि तकरीबन आप जितने का यहाँ पे डोमेन आप बाई करते हैं, उतना ही लगभग इनका क्या होता है कि रिन्यूअल भी होता है। आपने GST भी आपको अलग से एक्स्ट्रा पेड करने की ज़रूरत अभी तक नहीं है। यहाँ पे जितना उनका कास्ट है उसी में उनका एडजस्टमेंट है, तो आपको डोमेन यहाँ सस्ता देखने को मिलेंगे। नेम चिप, GoDaddy या जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, सबसे सस्ते डोमेन देखने के लिए डायना डॉट पर ही मिलेंगे। फिर भी मैं प्रेफरेंस करता हूँ फर्स्ट नेमचिप, सेकंड डाइना डॉट, उसके बाद आप कुछ भी कर लो, मैं तीसरी को रिकमेंड नहीं करता। कारण इसके पीछे ये है कि सबसे ज़्यादा लोग डोमेन बाई करते हैं GoDaddy से। GoDaddy के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी मेरी वहाँ वेबसाइट होस्ट है क्योंकि मैंने पहले खरीदे हैं। तो आज के दौर में मेरी लगभग 400 समथिंग वेबसाइटें मेरी चल रही हैं, और जो भी वेबसाइट हैं वो तकरीबन तकरीबन डाइना डॉट पे 100+ वेबसाइट हैं। लगभग 100+ वेबसाइट हमारी आपकी नेमचिप पे चल रही हैं, और अप्रॉक्सीमेटली अन्य प्लेटफॉर्म पे मिला के 400+ वेबसाइटें मेरी चल रही हैं, मेरे क्लाइंट की, मेरी खुद की, अपनी भी। तो गाइज़ मतलब यार अब क्या ही बताऊं, डोमेन आप यहीं से आप बाई करना, और नीचे लिंक है आप दे दो, वहां से जाके आप बाई कर लो, ठीक है। फिर बात आके रुकती है कि सर होस्टिंग कहाँ से बाई करें। होस्टिंग आप न्यू कंपनी से एकदम बाई ना करें, ठीक है, लेकिन यार ऐसा नहीं कि सभी न्यू कंपनीज फेक हैं, सोचने वाली बात है ना, लेकिन ये न्यू कंपनी से फिर भी बाई करना मेरे लिए, देख रहे ना मैं कितना यार उदास हूँ, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ नई कंपनीज हैं जो अच्छा कर रही हैं, ठीक है, थीके? तो ऐसी इंडिया में 10 कंपनीज के बारे में मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, उनका अप टाइम मैं लगातार मेज़र कर रहा हूँ। जैसे ही 2 महीने हो जाते हैं, 3रे महीने में इंटर करता है, तो मैं वीडियो एक लेके आऊँगा, इंडिया की टॉप मोस्ट वेबसाइट प्रोवाइडर कौन सी है, मतलब
टॉप मोस्ट कंपनी कौन सी है वेब होस्टिंग प्रोवाइडर के क्षेत्र में, वो मैं लेके आने वाला हूँ। सभी जो इंडियंस कंपनी है ना, उनकी मैंने लिस्टिंग बना रखी है, एक एक डोमेन में लगातार ले रहा हूँ और डोमेन को वहाँ पे एक होस्टिंग 3-4 महीने 6 महीने के लिए बाई करके होस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सब कुछ उनका डाउन टाइम और लोड टेस्टिंग के बाद मैं वीडियो लेके आऊँगा, तो आपको बताऊँगा कि न्यू होस्टिंग से अगर बाई करनी है तो किससे करें। अगर आपको होस्टिंग भी बाई करनी है तो नीचे लिंक दिए हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, मैं किसी लोकल को प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। वहाँ पे आपको नेम चीप देखने के लिए मिल जाएगा। हमारे ज़्यादातर वेबसाइटें जो है ना इस समय होस्ट आर्माडा और नेम चीप पर मेरी खुद की वेबसाइट हैं, और कुछ वेबसाइट मेरी होस्टिंगर पर भी मौजूद हैं, ठीक है। तकरीबन 25 वेबसाइट मेरी ऐसी चलती हैं कि जो सुपर टारगेटेड नीच पे काम करती, मतलब 8 से 10-12 आर्टिकल्स हैं, 400-300, कभी किसी में 1000-1000 तक का ट्रैफिक है, ठीक है। तो और उम्मीद करता हूँ कि जिन कंपनी ने मेरे साथ धोखा किया है, मतलब यूजटेबल ने मेरे साथ जो किया है, आने वाले समय में गूगल पे जब भी फ्रॉड कंपनी के बारे में कीवर्ड डाला जाएगा 5-6 महीने बाद, तो आपको सारे आर्टिकल मेरे मिलेंगे और सभी को मैं आर्टिकल्स में मैं यूजटेबल को मेंशन करूँगा, क्योंकि यार मेरे को बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने वो किया है, तो मेरी मेरे ऊपर मतलब आप क्या कह सकते हैं यार, कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं इस तरह की फ्रॉड होस्टिंग प्रोवाइडर से किस प्रकार से अपने को कनेक्ट किया, कैसे उनकी बातों में आ गया, क्या बातें करते हैं यार एक एक चीज़ की, ये सर्वर मिल रहा है, वो सर्वर आप टाइम ये है, हम सर्विस ये देते हैं, और जैसे ही बाई किया और जैसे ही प्रॉब्लम आई इनकी खटिया खड़ी हो जाती है, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कहावत सुनी होगी ना, ये स्थिति इनकी हो गई है। तो आप सतर्क रहिए, समझदार बनिए, किसी भी कंपनी से होस्टिंग और डोमेन बाई कर रहे हैं ना तो समझिए मेरी बात को, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।